तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं और मनीषा निकलने वाले हैं आज फिर एक बढ़िया सी शॉपिंग के लिए। हाँ, आप भी सोचते होंगे कि रोज ही बाहर जाते हैं, क्या करें, दिलाते नहीं एक बारी में चीज। गाइस आप पिछली सारी वीडियो देखिए और देखिए, उसमें लड़कों का कितना सामान था और लड़कियों का कितना सामान था। थेल्लो की फोटो तक है, थेल्लो की, थेल्ले नहीं थेल्ले। अच्छा तो आज हम फिर जा रहे हैं। अभी हम आए हैं नानी के घर से। नानी के घर में आ गया हमें मजा चकदे फट्टे। नानी ने दिया हमें बड़ा सारा आशीर्वाद, और आप भी लीजिए अपनी दादी चाची ताई से आशीर्वाद। हेलो कर दो मम्मी। हेलो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद स्कूटी चलाते हुए। गब्बर को भी ले चलने के साथ। गब्बर चल चला आजा, देखो गब्बर भी चलने के लिए तैयार है। तो गाइस हम घर से निकले तो हम रास्ते से जा ही रहे थे, हमको दिखाई दिया बेबी गारमेंट्स, तो भैया बाहर खड़े हुए थे और हमको कुछ सुंदर सुंदर डमी पे स्वेटर्स थे, तो हमने कहा बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो भैया ने कहा अरे आप आओ तो अंदर तो आओ, बाहर से क्या देख रहे हो। फिर हम अंदर गए, हमको इतनी सारी वेराइटीज़ दिखी, नाइट सूट स्वेटर्स, एक से एक कोट, जीन्स टॉप, आप कुछ भी लेना चाहिए भाई के पास हर एक क्वालिटी है, हाई से हाई, चीप से चीप और सुपर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मटिया महल और यहाँ के व्यापार समिति मिलकर लोहरी और मकर संक्रांति के उपलक्ष में सब त्यौहार मना रहे थे और हमको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम वहाँ से ये शॉट लेकर निकल पड़े दाल मंडी पुल से होते हुए फुआरा चौक की तरफ, और देखो फुआरा चौक पे हम पहुंचे आकर्षण साड़ी वाले के यहाँ। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर, ये दिख रहा है आपको पर्पल वाला गाउन, इतने सुंदर सुंदर गाउन और साड़ीज है, स्पेशली गर्ल्स और लेडीज अगर किसी को खरीदना है, शादी सीजन आने वाला है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। शिव सागर, आकर्षण वाला, इनके पास सुपर्ब कलेक्शन होता है ड्रेसेस का। क्या लेने आई है मोनाज? लिपस्टिक, नेल पेंट और भी बहुत कुछ, मैं बता नहीं सकती। देख लो दोस्तों मेकअप का सामान। मैंने कहा था ना शॉपिंग ये करती है, देखो देखो ये मैं थोड़ी ना पहनूंगा, देख लो। अच्छा, तुम्हारा घर खोल के दिखाऊंगी क्या खरीदा। तो गाइस सामान हम ले चुके हैं, घर जाके आपको पहन के भी दिखाएंगे और दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम असल में मॉडलिंग भी करने वाले हैं ना जल्दी चालू, तो एज अ मॉडल हम आपको पहन पहन के भी दिखाएंगे। देख लो गाइस अब बीसी की शॉपिंग हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, मैं प्रूफ करूंगा सबको व्यूअर्स को। देख दोस्तों शादी करके पता क्या होता है, ये होता है शादी ना करियो दोस्तों, थैले लेके घूमने पड़ेंगे। हाँ ये पता नहीं नई नई गलियों में आना पड़ता है। बोरी पर्स की दुकान बोरी। गाइस एक दुकान को कैंसिल करके हम फिर से दूसरी पे आ चुके हैं। नाम मुझे पता नहीं, नाम हमें पता नहीं। ये वाला पर्स अच्छा लग रहा है। तो गाइस आधा घंटा हो चुका है, सब्र का बांध अभी टूटने ही वाला है मेरा। पता नहीं अब किस पर्स की दुकान पे लेके आई है ये। देखो कितना खुश हो के वहाँ शॉपिंग कर रही है, देखो कितने पर्स निकलवा रखे हैं इसने। इस हमें मिला है बढ़िया सा एक आइटम, मनीषा का आ गया इस पे दिल। अगर आप ले, हाँ तो दोस्तों संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पर्स नहीं मिला है। कोई नहीं, हम अपनी बीवी का गुस्सा शांत करके रहेंगे, करना पड़ेगा वरना रात को हमें भुगतना भी पड़ेगा। दो तीन दुकानें छोड़कर हम बड़े आ गए और हमको मिली हमारी फेवरेट दुकान, और इन अंकल के पास बहुत ही खूबसूरत पर्स थे। गाइस सच्ची बताऊँ मैं ना इनका नाम पूछना भूल गई दुकान का, और फिर भैया हमको लेके गए, भैया ने एक से एक लेटेस्ट सुपर्ब डिज़ाइन वाले पर्स दिखाए। मैं इतनी देखो कितनी खुश हो रही थी क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था पर्स को देख के, और मुझे पर्स की कलेक्शन करना ना हर एक लड़की को बहुत ही पसंद होता है और मुझे भी वैसे ही बहुत पसंद है, तो भैया एक से एक पर्स दिखा रहे थे और मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और फिर आखिरकार मुझे मेरा मन पसंदीदा पर्स मिल गया, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। हाँ तो गाइस आधे घंटे और घुमाने के बाद आखिरकार मैंने पर्स घर जाके, घर जाके, अरे हमने अपनी पत्नी को करा खुश, दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं, घर जाके दिखाएंगे।
अब तो नहीं दुखी है? अब मैं बहुत खुश हूँ। चलो मिलते हैं गाइस घर जाके। हम आ गए हैं अपने घर ढेर सारी शॉपिंग करके, तो गेस करो हमने क्या क्या शॉपिंग करी होगी, गेस करो। अरे आप गेस करो, इतने हम आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए हैं, और सिर्फ दिखाएंगे नहीं आपको, पहन के दिखाएंगे और आपको बेस्ट एडवाइस देंगे कि आप कहाँ से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम आपको अपनी सारी ड्रेसेस पहन के दिखाएंगे सिर्फ आपके लिए। तो ये है मेरा स्वेटर, और मैंने इसको जब देखा था ना तो मेरा तो इस पे दिल ही आ गया। मैंने कहा कि इनको नहीं, मुझे यही वाला लेना है। तो और मैं आपको इसका पूरा पूरे आउटफिट के साथ इसको पहन के दिखाऊंगी कि ये कैसा दिखता है आपके लिए। तो चलिए पहनते आप। तो गाइस इतने सुंदर आउटफिट के साथ एक सुंदर सा पर्स तो बनता है ना, तो मैंने अपने पति को बोला कि मुझे एक पर्स चाहिए सुंदर सा। तो ये इतने अच्छे हैं, उन्होंने बोला तेरे को मेरा पर्स चाहिए, मुझे लेके गए पर्स की दुकान में और मुझे मेरा मन पसंदीदा पर्स मिल गया। मेरा जो ड्रेसिंग पूरा मेरा आउटफिट था विद पर्स, आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिलाया, और ये इनको ना दिलाती तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिलाते हैं। फिर मैंने इनको भी शॉपिंग कराई। अरे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं और इनका लेना तो बनता था, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब ही इज़ बेस्टेस्ट हस्बैंड इन द होल वर्ल्ड, बहुत अच्छे हैं सच में। तो इनको मैंने बड़े अच्छे अच्छे दिखाए, तो आप भी ये दिखाएंगे अभी आपको वीडियो में पहन के, तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि मेरे को कंप्यूटर प्रिंटेड स्वेटर मिल जाए। आप देख के बताइए कैसा लग रहा है। मेरे को जो डिजाइन होते हैं ना, ये ट्रेडिशनल डिजाइन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आपने आजकल मूवीज में या फिर किसी मॉडलिंग शो में देखा हो तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगा, तब आप और अच्छे से बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो आइए मेरे साथ इसे पहन के देखते हैं। हाँ तो दोस्तों कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आप? स्मार्टीज। कुछ कहना चाहेंगे आप कमेंट करके बताइए अगर हम आपको अच्छे लग रहे हैं तो। एंड आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि पता है हम आपके कमेंट्स सब पर कमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे आप जानने वाले हैं या अननोन हैं, हम आपके सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, और आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कसम से, और हम सबका रिप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं और हम सबका रिप्लाई भी करते हैं। आप करिए तो सही हमको कमेंट, हम तो चाहते हैं हमारे प्यारे दोस्त हमारे प्यारे मित्र हमको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। अब आप देखिए, मैंने तो ले लिया येलो कलर का स्वेटर और मोना ने ले लिया रेड कलर का स्वेटर, और आप लोगों को पता है कि हमें पसंद है मैच करना। अब ऐसे तो मैच नहीं हो पाएंगे ना, अब हमको तो करनी थी ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग करने के लिए लो गाइस हो गई ट्यूनिंग। कैसे लग रहा है अब हम दोनों, ये भी जरूर बताना। और हम करके ट्विनिंग अब बहुत सारे खिंचाएंगे, फोटोज बहुत सारे बनाएंगे, वीडियोस, और अभी हम आपको बैक कैमरे से भी दिखाते हैं हम दोनों लग कैसे रहे हैं। मुझे इतना सुंदर पर्स दिलाया, हमने सेम कपड़े भी लिए, ट्विनिंग भी करी, और मैं इनको पर्स न लूं ऐसा हो सकता है? तो हमने लिया फिर क्या, एक बेहतरीन सा पर्स।
गाइस सबको पता है पर्स ये छोटा सा है, पर्स ये वाला बड़ा सा है, पर खर्चा तो इस छोटे वाले से ही होना है। सही बात बोले हैं। तो गाइस ठीक लग रहे हैं हम। सेम सेम ट्विनिंग। और पता है ट्विनिंग करके कितनी अच्छी मतलब कितनी अच्छा लगता है कि हम दोनों सेम सेम से पहन रहे हैं। और जब हम जाते हैं ना किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो सब हमको देखते हैं तो ना मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सच्ची में हम ना बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कभी आप भी ट्राई करके देखना ये वाली चीज, बहुत जबरदस्त लगता है। हाँ सच्ची में दोनों ट्विनिंग करके बड़ा मजा आता है, सब देखते हैं ना। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है, आप देखते हैं या आपने पहली बार देखी है, तो प्लीज लाइक आर वीडियो, सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर द वीडियो। एंड आप सब जितने और जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस को डेली देखते हैं उनको बहुत 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 थैंक यू। आप हमारी डेली वीडियोस एंड रील्स को इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं @boomdkaboom पे, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। और आप अपने यार दोस्तों से भी कहिए ना सब्सक्राइब करने के लिए, आपके आसपास जितने लोग हों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब को फॉलो करने के लिए, वो सबको भेजें। एंड थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।